सम्राट इस्लाम को हिंसा का ही सहारा ले लिया और अधिकतर लोग फिर इस्लामी होते चले गए। इस्लामी होते चले गए, एक हमारे साथी रहे, उनको मोर्स राय कहा कमाल ढूंढकर, तो कहता है कि बकरीद करते हैं तो हम कभी यार बकरीद करते हैं तो हम लोग बकरा काटें तो इतना तो मतलब नहीं है भाई साहब, बकरा का तो वो मतलब है कि जिसको हम पालें, बचपन से पैदा हो, उसको खिलाएं, वो आपको देख कर बोलने लगे, बहुत उससे मोहब्बत हो जाए, उसका हलाल किया जाना चाहिए कि आपको अपने प्यारा, हाँ, प्यारा चीज भी आप खुदा के निछावर कर दे रहे हैं। तो अरे प्यारा चीज तो तुम्हारा बेटा है, उसको सबसे पहले ना काटो। हमने कहा गुरु जी, हमने उसे कहा कि बता दो कि तुम प्यारा चीज को निछावर करने के लिए खुदा के लिए खुदा की बंदगी मान रहे हो, क्रूरता की, उसको बंदगी कह रहे हैं, ऐसे ऐसे तो है। हमने कहा कि क्रूरता की ट्रेनिंग ले रहे हो, ये तो क्रूरता का प्रशिक्षण है, इबादत हमें तो नहीं दिख रही है, कहां से इबादत दिख रही है, ये तो क्रूरता का, तुम हल्का हल्का जब तुम उसकी जो मोहब्बत हो जाएगी उसको हलाल कर दोगे तो मेरे बच्चे को आसानी से हलाल कर दोगे, फिर खा जाओगे तो इबादत है। हमें नहीं समझ में आ रहा कि इबादत है कि क्रूरता का प्रशिक्षण है, तो यहाँ तो सब पका गए क्रूरता का, तुम प्रशिक्षण ले रहा है किस तरीके से, तुम्हारे घर पे इस पाठशाला शुरू है क्रूरता का प्रशिक्षण लेने के। और वहां पर ऐसा कुछ वो नहीं आया था, असल में जो मोहम्मद साहब जो थे तो मोहम्मद साहब तो को तो खुद भी नहीं पता था कि हमको जो है कि अल्लाह भेज रहे हैं कुछ संदेश या कुछ ऐसा कुछ नहीं पता था। आखिर प्रश्न ये हमारा है, वहाँ पर बात नहीं, उस बात नहीं, बात समझ लीजिए ना क्यों हो गया वो भी बताता हूँ। तो मोहम्मद साहब को ये भ्रम होता था कि जो है हमको मेरा सर दुखता है, चक्कर मारता है, बेहोश हो जाते हैं, बेहोश भी आते थे, गिर जाते थे, लोग लाते थे, तो उनको लगता था कि आपको भूत पकड़ लेता है, उनको ऐसा ही लगता था अपनी तरफ से कि आपको भूत पकड़ लेता है। तो उसकी पत्नी जो थी खदीजा, तो वो कही कि सोची कि अगर इसको भूत प्रेत की बात अगर बनवाया जाएगा तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ये। हाँ, तो उसका भाई था खदीजा का, तो उससे जो है कहलवा दिया कि आप कहिए कि जो है फरिश्ते आते हैं तुमको संदेश देते हैं, भूत थोड़ी आते हैं, तुम तो अल्लाह के पैगंबर हो। तो उसको वो वही समझा दिया, तो समझा दिया तो समझा नहीं वो, फिर भी वो कहता नहीं हमको भूत ही पकड़ता है। तो लेकिन जब कई बार ऐसा हो गया, कई बार जो है उसको समझाया गया, फिर उसको फायदे होते भी बताए गए होंगे। हाँ, तो फायदे जब उसको समझ में आने लगा तब वो कहें हाँ मैं जो हूँ पैगंबर हूँ, अब अपनी सारी इच्छा जो एक नार्सिसिस्ट होता है, बस वैसे ही से अपनी जो भी उसको मन करे बस वही अल्लाह के नाम पर वो करता चला। अब ये फैलने की बात जो कह रहे हैं, अब देखिए यहाँ पर जो है भारत में एक मत था लोकायत कह करके, लोकायत मत जो चारावाग को ही लोकायत मत भी कहा जाता है। हाँ। चारावाग दर्शन को ही। हाँ। लोकायत का मतलब होता है कि लोगों में प्रचलित, हाँ, लोगों में प्रचलित प्रचलित हो गया। हाँ। क्यों प्रचलित हो गया? इसे कहा ना कि इस्लाम कैसे फैल गया, तो इसीलिए फैल गया क्योंकि इसके पीछे कारण क्या है, ये सब अनुशासन को महत्व नहीं देते हैं। हाँ। समझ गए? हाँ। लोकायत वाले अनुशासन को ही महत्व नहीं, और सिर्फ जो है इंद्रिक जो सुख है उसी को लो, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना है। हाँ, और झूठ भी बोल लो। हाँ, कुछ भी मतलब सुख सुख भोगने के लिए कुछ भी मतलब करो, पाप पुण्य ये सब सब है, और तो खाने को मिलेगा। हाँ हाँ, सब मिलेगा आसानी से। और कहते हैं राजा ही ईश्वर है। हाँ, अगर ईश्वर ही मानना है तो राजा को मानो, क्योंकि वही उसी से कुछ माल मटेरियल मिलेगा। तो ये जो है बहुत तेजी से फैल गया भारत में, बहुत तेज फैला। अब इसी की तुलना इस्लाम से करते हैं। इस्लाम में भी बस ऐसा ही कुछ है कि आपको पूरी छूट है, दूसरे की पत्नी उतनी को लूट लो, कितने पत्नी रख लो, छूट हो गया, यानी काम वासना की छूट दे दी गई। हाँ, जो चारावाक का दर्शन था उसका एक सबसे बड़ा जो सुख है, चारावाक मानता है काम सुख सबसे बड़ा सुख है, तो वही यहाँ पर भी दे दिया गया पूरा सुख। हाँ, सुख लो, यहाँ इसमें ब्रह्मचर्य का कोई पालन नहीं करना, दूसरे का भी लूट लेना है, बलात् भी कर देना है, सब कुछ। उसके बाद दूसरा जो था कि दूसरे का धन संपत्ति भी लूट लो, सब तुम्हारा है, कमाना ही नहीं पड़ेगा, बस कमा रहे हो तो, नहीं कमा रहे हो तो मतलब लूट लो, लूट लो और टैक्स ले लो, जजिया टैक्स ले लो, यानी हर तरह की छूट दे दिया। तो इसके कारण जो है अब जहाँ गरीबी से लोग मर रहे हैं, गरीबों को क्या लूट की छूट चाहिए? हाँ, और जिसमें कोई उसको पछतावा भी ना हो, ऐसी छूट चाहिए, कोई पछतावा भी नहीं,
लूटने का तो यहाँ भी लोग लूटते थे, लेकिन यहाँ 10 लोग कहते थे तुमने गलत किया है, तुमको पाप लगेगा, तुम नरक में सड़ोगे, मरोगे, गलोगे। शास्त्र भी कहते हैं, हाँ तो उसी की बात कर रहा हूँ, शास्त्र की बात कर रहा हूँ। तो जिस शास्त्र में है कि तुम ये करो तो सड़ोगे गलोगे, और वहाँ पर शास्त्र में है कि नहीं तुमको तो बहुत मिलेगा, तुमको तो जन्नत मिलेगा, अगर लूट लोगे ना तो तुमको तो जन्नत मिलेगा, अगर तुम मार दिए ना तो जन्नत मिलेगा, बलात्कार कर दिए तो जन्नत मिलेगा, और वहाँ भी हुरे मिलेंगे, मौज ही मौज है, वहाँ भी शराब मिलेंगे, वहाँ भी हुरे मिलेंगे, और यहाँ तो खैर तुम लूट ही रहो, हाँ यहाँ भी लूटने में तुम्हारी अल्लाह मदद करेगा, और वहाँ तो अल्लाह खुद ही देगा, तो तुम्हारा तो मौज ही मौज है। तो उसके बाद इस तरह से ये सब बढ़े इनके, अच्छा अधिक से अधिक संतान पैदा करो, अच्छा इनके इनको कोई शास्त्र बहुत पढ़ने से बहुत ही मतलब नहीं है, ज़्यादा चीज़ मानने की जरूरत नहीं है, एक मान लो कि एक मोहम्मद है जो पैगंबर हैं, एक मान लो अल्लाह हैं जो एक हैं, अल्लाह के बराबर कोई नहीं है, बस लोकायत संप्रदाय में, सिर्फ लोकायत संप्रदाय से लोग किस तरह से वो हो गए थोड़ा सा, कि बस एक इन्होंने एक एक ईश्वर पैदा कर दिया, एक ईश्वर एक खड़ा कर दिया कि अब जो है एक ईश्वर है, हाँ तो जो छोटा सा अनुशासन है वो यही है कि अल्लाह का नाम लेते रहो और फिर सारा कांड करते रहो बस और कुछ नहीं है, यही कर लिया, बाकी अपना कोई अनुशासन की जरूरत नहीं है। अपने माँ पर भी चढ़ जा रहे हैं, अपनी माँ पर भी चढ़ जा रहे हैं, अपनी बहन पर भी चढ़ जा रहे हैं, सारा चीज वही लोकायत संप्रदाय वाला है, तो वो कुछ नहीं, खाली अपना। और उसमें क्या किया कि अपने माँ का जो जो एक ही माँ से जब जन्मे हैं, जिसका दूध पिए हैं, बस उसी को मार दिया थोड़ा सा, कि बस वही थोड़ा सा वो है, वो बाकी तो तुम अपने तो आपने अपने अपने बाप की जो पत्नी है उसी से शादी भी कर ले रहे हैं, बाप के मरने पर या बाप को हटा दिए, और तो और हलाला भी उसमें कर दिए हैं कि अब छोड़ दिए, तलाक दिए, अब वही करेगा, तो ऐसे बढ़ गया। ये पुरुष की कामुकता सबसे उसका कमजोर पक्ष है, और इसको इस्लाम ने छूट दे दी, तो वो पढ़ने का काम करके बड़ा आसानी से इसमें चीज सुलझ। अच्छा एक चीज और उसने किया, एक चीज और किया बढ़ने का एक कारण और है, जब पति पत्नी होते हैं ना तो पति परेशान होता है पत्नी से, क्योंकि वो कुछ अंकुश लगाती है, कुछ शासन करती है, तो उसका भी कार्टून लोगों ने ढूंढ लिया, पत्नी का मतलब क्या है, जितना चाहो उतना उसको पिटो, हाँ उसको तुम चाहो मारो पीटो कुछ भी करो, तो ये भी मर्दों को छूट मिल गई, पत्नी को मारने की, हाँ उसको अपने कब्जे में रखने की, हाँ कई शादियां करना है, कई शादियां करना है, दबा करके रखना पड़ेगा ना, तो युद्ध हो जाएगा, दबा के रखो मारो पीटो, इसकी छूट दे दिया, तो इसलिए यहाँ मर्दों ने बहुत तेजी से अपनाया इसको। ये तो शादी घर में पत्नी पत्नी पास जी हम हो जी हल्ला और मैं दबोले वाला सा दबा ना, वो आठों को रखा था तो कोई दिक्कत ना है, औरतों को भर देगा ना पति का, ठीक है दबाव में हो गई, उनको वही समझा दिया गया, अब कि ऐसे पति साथ रहोगे तुमको जो है जन्नत मिलेगा, और जन्नत में उनको क्या मिलेगा, वहाँ उनको बस सरदारनी बनाया जाएगा, सरदारनी बनाया जाएगा, सरदारनी मतलब समझ गए हैं, और उसके पति को बेहतर होने मिलेंगी, तो सरदारनी मतलब कि वो लाइन लगवाएगी कि अब उस हूर के साथ अब जाने का इस समय टाइम हो गया तुम्हारा, अब जाओ तो वहाँ पर लिस्ट में का नाम लग जाएगा, तुम्हारा नंबर लगवाएगी वो उसी में खुश है, यानी कैसे कैसे बेवकूफ़ बनाया गया है, ये समझिए एंकर है ना तो मजा लेती है मुल्ला मौलवियों से कि भाई ये तो इस्लाम ने औरतों के साथ बहुत नाइंसाफी किया है, ये जन्नत में पुरुषों के लिए मर्दों के लिए तो हूर बनाया है और जो महिलाएं हैं उनके लिए कुछ नहीं, तो बड़ी इंसाफी है इस्लाम की भाई, उनके लिए भी तो कुछ चाहिए, वहां भी तो कई कई मर्द इनके लिए भी चाहिए, तो ये लोग मौज लेंगे, अरे बेचारी वहां पर टुकुर टुकुर देखेंगी केवल बड़ी आनंद मौज लेती है। जो रावण की बहन सुपर्णखा थी तो नाक कटी तो बुरका को लेकर के लगाते हैं कि इस्लाम वहीं से पैदा हुआ, सुपर्णखा की नाक जब शुक्राचार्य कहते हैं, हां हां जो पूरा हमारी कहानी है बहुत पुरानी है, ओकर साथ खट्टा पना समझ जाए तब तो कहे मतलब है कि तब 1400 साल पहले सुपर्णखा थी, क्योंकि इस्लाम 1400 साल पहले ही आया है, तो इसका मतलब सुपर्णखा और राम 1400 साल पहले ही थे, तो इसका मतलब वो तो अशोक से भी बाद में पैदा हुए हैं, तो अशोक से भी बाद में पैदा हुए, देखो मतलब भी बाद पैदा हुए हैं, से भी बाद पैदा हुए हैं लोग, नहीं उसके लिए वो ये कहते हैं ना, वो सुपर्णखा वाली कहानी में ये कहते हैं कि मोहम्मद को ये लोग जो है ये
पहला पैगंबर नहीं मानते हैं। हाँ, तो हजारवां पैगंबर मानते हैं। हाँ, तो वो कहते हैं कि कई लाख पैगंबर हुए हैं। हाँ, कितना लाख की बात करते हैं। हाँ, तो सूर्पनखा जो थी, हाँ, तो वो ऐसे समय में थी जो अपने पीरियड में, तो उस पीरियड में थी, मोहम्मद के समय में नहीं थी। मोहम्मद वाला मतलब कार्य का मतलब है कि इस्लाम बहुत पहले से है। एक तो हमको समझा रहे थे, इस्लाम बहुत पहले से है। अच्छा, एक बात देखे हैं इस्लाम के बारे में, वो ये कहते हैं, लेकिन ऐसा कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है। ये सब सब गपोड़ कथाएं हैं, कोई प्रमाण नहीं है इसके। अरे हमके मत थे समझा, हम तो कहीं कहीं झगड़ा हो जी इसके साथ। कुछ जगह जैसे इस्लाम के लोग अगर मिलते हैं नमाज पढ़े तो उसे कुछ पूछते, धर्म पर चर्चा करते हैं। जैसे कानपुर के थोड़ी सी लड़की के मामा जी से बात करते थे, तो आगे से शादी में गए थे, आप पूछने लगे बताने पूरा कपूर पूरा गाय इतना कहानी बताए, फरिश्ते हूँ और काकार कौन कौन सी जिन्नाद जिन कुल का ऐसे बताएगा ना, लगा कि ये तो अभी देख करके आया, देख कर आया, खुदा ने बनाया, सात दिन में पूरी ये कायनात बनी, एक दिन वो बने चंद्रमा बने, ये वो कुल बना गए, फिर आदमी बना, फिर आदमी की ये हड्डी से निकाल कर पसली की हड्डी, इसलिए आदमी की हड्डी कम है, औरत बनी फलाने का। तो हम ही क्या बताए, हम कैसे ही बताए चाचा जा कि दिन किसे कहते हैं? आपने कहा कायनात सात दिन में बनी, तो दिन किसे कहते हैं? दिन ये जो देख रहे हो तुम, ऐसे दिन हमें कैसे दिन, हमें नहीं समझ में आया दिन कैसे, किसको दिन कहते हैं, एक दिन का मतलब क्या? तो मैंने मतलब हमने कहा चलिए हम समझा रहे हैं, एक दिन का मतलब ये नहीं कि सूर्य उगा सूर्य डूबा फिर उगा, तो सूर्य उगने से उगने का समय को दिन कहते हैं, इसका मतलब एक दिन होगा। तो आप कह रहे हैं कुछ था ही नहीं, तो दिन होने के लिए सूर्य और पृथ्वी का होना जरूरी है, और जब कुछ था ही नहीं दिन कहाँ से था? देखो तब ना आओ जी, सात दिन तो बेटा बहुत शैतान मालूम पड़ता है, ठीक है, शैतान मालूम पड़ता है, इतना इतना तर्क तो शैतान करता है, दिमाग नहीं करता। अच्छा, तो हमारे का कुछ सुना लो हमने, अच्छा ये काम करिए, आपको कुरान वगैरह पे यही कह रहे थे कि कुछ समय में बनाया, कुछ समय में ये बना, कुछ समय में ये बना, कुछ समय में ये बात बात चल जाती है, सात दिन कहती है, तब हमको झटका लग गया, अदिन पहले बना, अदिन पहले बन गया, और पृथ्वी चंद्रमा बाद में बने।